बड़ी ही विलक्षण कथा परीक्षित का यह आख्यान है। यह तो मैंने पहले बताया था कि हमारे मानव वंश में, मानव जाति में एक नाग वंश भी है। जैसे यक्ष जातियां हैं, उसी तरह से नागवंशी, जैसे राजा नग जो थे वो नागवंशी थे। तो देखिए बड़ी विलक्षण कथा है कि पातालपुरी में महाराज वासी की कचहरी लगी है, और वो कचहरी भी बड़ी विलक्षण है। कैसी? वासिक के दरबार की शोभा कहीं न जाए, अति विचित्र में भिल सजी इंद्र सभा शर्माए। जगर मगर हो रही अड़ रहे जहां पे परी खिलौना है, और एक से एक मलू को अड़े जहां पर नांगन के छोना है। बड़े बड़े विलक्षण नांग बैठे हुए हैं, कभी बुद्धा दास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदरता है उन नागों की कि जिन पर जादू भी नहीं चल सकता। लेकिन दोस्तों आप सोचते होंगे ये नांग कैसे कैसे थे, तो मैं बताऊं आपको, सुनिए जरा। बैठे मरधारी नांग सभा की शोभा कहीं न जाए, ऐसे विलक्षण नागों की शोभा भला कैसे बताएं। अरे बड़े बड़े सुंदर नांग हृदय में जागे, अरे अब उधारे
अरे रे हमने बहुत दूरे भूजंग भैया की कचहरी में बड़े बड़े विलक्षण नाग बैठे हैं और ऐसा ही नहीं इधर तो ताखे जैसा भयंकर नाग भी उस सभा में मौजूद है। दोस्तों उसी समय कुंती नंदन अर्जुन का पदार्पण होता है। महाराज वास्य खड़े हो गए, आइए सब्यसाची आज तो अवभाग्य है जो आपने हमारी सभा में पदार्पण किया है। बहुत दिनों में खबर ली है। अर्जुन मुस्कुरा के बैठ गए और कहने लगे, नागराज जी मैं आया कि चलो तुमसे मिलते चलें और हम आपके सामने आ गए। कहिए चित्त तो प्रसन्न है? बास ये कहने लगे, महाराज आपकी कृपा जब हमारे ऊपर है तो हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन आप अपने हृदय का हाल बताइए। घर में तो सब खैरियत है? कुंती नंदन अर्जुन मुस्कुरा के बोले, जब तक यादवेंद्र सरकार कृष्ण की कृपा है तब तक हमारे यहां कुशल ही कुशल है। बस कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें करते रहे, फिर कहने लगे, पार्थ हां जाने क्या मतलब है कि आज मेरा जी मचल सा रहा है और इस सभा में हमें नीरसता सी महसूस हो रही है, इसलिए समय पास करने के लिए कुछ खेल खेला जाए तो कैसा रहे। अर्जुन कहने लगे, महाराज हम तो आपके मेहमान हैं और मेहमान भी अतिथि हैं। अतिथि अतिथि कौन होता है जो बिना तिथि के, कोई तिथि निश्चित ना हो और वो अचानक आ जाए। तो महाराज जैसी आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। जब आप दिया है बासिक ने खेल तो हम अवश्य खेलेंगे, मगर अर्जुन कोरा कोरा खेल खेलने में मजा भी नहीं आता। कुछ अगर शर्त रख ली जाए तो हमारे आपके खेल में चार चांद लग जाएं। कहने लगे, महाराज खेलो, शर्त भी रख लीजिए। तो कहने लगे, सुनो महाराज हम और आप आपस में फांसे खेलेंगे, खेलिए आओ सामने सामने डटोना। हुलम्बे मारे पारत से बासिक कहा तो सुनो नब प्यारे, पारत से बासिक कहा तो सुनो नब प्यारे। बात और बता दूं अर्जुन? हाँ हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? एक दूसरे के साथ धोखा नहीं होगा, खेल सच्चा हो रहा है? हाँ हाँ
एक खेल रखो, शर्त एक है, क्या? अरे जो हो ये तुम्हारी राजी ले ले, खेल गरब की बाजी ले ले। जो हो ये तुम्हारी बाजी खेलनी। हमारा घर में मेरी नागनी गर्भवती है, तुम्हारे घर में कोई गर्भवती हो तो बताओ। महाराज अर्जुन कहने लगे, हमारी पुत्र वधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो गर्भवती। तो जवाब दिया है, अगर तुम्हारी पुत्र वधु कन्या का जन्म दे, कन्या को जन्म दे तो उसकी शादी, हमारी पत्नी अगर पुत्र को जन्म देती है तो मेरे बेटे के साथ होगी। अर्जुन कहने लगे, हां ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पहले फांस फेंक दिए। पारस से कहा है वासुक ने कि तुम उठा करके फेंको, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो ना। ले फांसे पंडेशु सुमिर गणेश धरन पे डारे, जाके पोवारा पड़िया रे के बहुत वरे मतवारे। देखिए भगवान यादवेंद्र की कृपा से अर्जुन का हाथ बहुत ही सुंदर पड़ा। अरे बड़े मतबारे, बड़े मतबारे, बहुत मतबारे, राठौर मतबारे, जग मोबारे पड़ गए रे के बहुत वाले मतबारे। उठा लीजिए नांगराज, अब अपना हाथ दिखाइए, अपनी किस्मत अनवाइए मेरे सामने। अगर सच्चा खेल है तो सच्चे शेर के सामने तुम भी डटे हो। बादशाह कहने लगा, घबराओ नहीं पार्थ, हमारा हाथ खाली नहीं जाएगा। हे भगवान मेरी मदद करना, अगर ये पांडव जीत गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन दोस्तों विधाता को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ? कले फांसे हाथ सुमिर रघुनाथ धरन पे डारे, धरन पे डारे, खोटे आई है तीन ही में हारे, जग खोटे आई है तीन ही में हारे। दोस्तों ध्यान रखना, पारथ ने जिस समय फांसे फेंके हैं बारे पड़ गए, जब पौबारे पड़े हैं तो सब लोग दंग रह गए, लेकिन जब बासिक ने फेंके हैं तो तीन खोटे आए। अब तो घबरा गया बासिक, क्यों? अरे पारथ जब जीत गयो है, we'll be right back।
जब हार दे गयो है इधर जब बादशाह के अंदर पहुंचा है, दुल्हन ने जब अपने दुल्हा को देखा तो नागिनी बढ़ के आगे आ गई और पिया का चेहरा देख के घबरा गई और क्या पूछ रही है, कैसे मन ही ने ए दैया काए मन मखमल की जीन ए दैया काए को मन ए दैया काए को मन ए दैया। बात क्या है, आज तो बहुत सुस्त नजर आ रहे हो, बताओ ना पिया, बोलो ना। सुंदर चेहरा फूल सो सजना, फूल सो सजना, कैसो हुई ओ मलीन ए दैया काए को मन दिल में खिचरो सीन ए दैया काए को मन नहीं ए दैया काए को मन नहीं ए दैया। हर रूप देख के याद बासिक को लीली पेटौ हर याद नहीं तो है रे अंगना में बहिया पकड़ के लाए बेटा बोलते क्यों नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कम से कम और तो खोलो, मैं तो मरी जा रही हूँ। हाय हाय बोलो ना, तुम मेरी कसम हो। राजा कहने लगा, गोरी अरे तेरे जूझन के दिन आई है, अरे तेरे लड़बे के दिन आई है, गोरी कूद जा जलद अखाड़े में तेरे लड़बे के आई है, रानी कूद जा जलद अखाड़े में तेरे लड़बे के दिन आई है। बात क्या है, लड़ने के दिन आ गई, क्या मतलब? बाद से कहने लगा, कुछ मत पूछो, इतना कहकर दोस्तों आज तो नामराज अपनी खोपड़ी को पकड़ के पलंग पर बैठ गया। नागिनी पैरों के पास बैठ गई, क्या कोई विशेष घटना घट गई है, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? बाद से कहने लगा, आंखों से आंसू छलक पड़े, क्या बताऊं तुम्हें, बोलो ना, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे मन की वेदना न बताई। दोस्तों आज अपने दुल्हन के गले में बहिया डालकर वासिक रो रो के बोला है, सुन ले मेरी नारू गजब की सारे आज में हारे, कुंती के लला अर्जुन ने रे सभा में बादल फारे। क्या बताऊं तुम, मेरी तो अकल काम नहीं दे रही, गर्भ की बाजी लगी है, गर्भ की कैसी
क्या किया है अर्जुन ने, बताओ ना मेरे राजा, बोलो ना। अरे कबादर भारे गजब कर डाले, दुल्हन याद आ रे गजब कर डाले, पंडव पारत बहुत रे गजब सोहाय कर डाले, गोरी बात से कहने लगा। अब जो जन्मे तेरे धिया हमारो जिया जाय बिन मारे, अब हम तो हैं आधीन नागिनी प्यारे, फाटन लागी गोरी सुनियो अर्ज हमारा, और बिटिया जन्मी तेरी को कित हम मर जावे बेटकों भाई, तन हाथ पटक दे तेरे धरती में मर लो सुनियो अर्ज हमारा, अब को दुख बरने बात मुझे भूमे निजी मल पे ना खा। ये हुआ गर्व की बाजी आपने लगाई। हाँ बस कहने लगा, अगर तेरी कोख से लड़की पैदा हुई तो ये भी ध्यान रख लो कि मैं पेट फाड़ के मर जाऊंगा, नागू मेरी बात मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। रानी कहने लगी, जो तो बहुत बुरी अटकी, ऐसी कोई मशीन हूं तो ना है जो पेट को ललाओ लली बताए दे। कुछ भी करिए गोरी, क्या करूं मैं दोस्तों, नागिन कहने लगी। सुन सैया के भेनरे नागिनी पंच बोली, क्या हुआ जी? सुन सैया के भेनरे नागिनी रोई की बोली, अंतरघट की गांठ रे विधना ने नाए हाय खोली, मेरे पिया यंगे लाई सुरखी अख्तियार, सुत जन्म के बिटिया हाय मोय पता नहीं सरकार, मेरे साजन मेरे बाल मां विधिगतिया परम पार है जत हार गए आधार, मेरे साजन विधिगतिया परम पार है जब हार गए राठौर, मेरे बाल मां विधिगतिया परम। रानी कहने लगी, पिया ये अंतरघट की गांठ तो विधाता ने खोली नहीं, अब हमारी लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मगर एक बात मैं अवश्य बताऊंगी। क्या? सुनो सैया, पत्नी कौन होती है? पिया के मन जो भाए सुहागिन बही है, पिया के मन जो भाए ए सुहागिन बही है, सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही है, सुहागिन बही है,
और दिल से उतर जाए अभागिन बही है, दिल से उतर जाए अभागिन बही है। एक बात मैं बताऊं साजन, दुल्हन पिया की पैदा कर है जब वो किसे लाले, और जो ना लला कर पेट सो हुई है, और दुनिया में फिर दिखे आधार। एक बात मैं तुम्हें बता रही हूं, पत्नी वही है जो पति के दिल पे पूरा असर रखे, पत्नी वही है और पति वही है जिस जिसके लिए पत्नी के हृदय में जगह हो। अगर मेरे लड़का पैदा हुआ तो आपकी मुराद पूरी है, और अगर लड़की पैदा हुई तो मेरी एक शर्त रखो। बासक ने कहा, गोरी कौन सी शर्त बता रही हो? तो कहने लगी, सुनो, अरे जो कन्या सैया में तो जाऊं, अरे जो कन्या सैया में तो जाऊं, तो भाई मार के संग मरी जाऊं। अरे जो राम की कृपा से बेटा पाऊं, अगर हमने लड़की पैदा की, आपकी यह शर्त है कि तुम मर जाओगे, तो साजन मैं भी कसम खा के कहती हूं कि उस लड़की को मार के उसके साथ ही मर जाऊंगा। जैसे आप मरेंगे वैसे मैं भी मर जाऊंगी, और यह भी निश्चित है कि अगर पुत्र पैदा हुआ आपकी मन की मुराद पूरी है, और लड़की पैदा हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दोस्तों देखिए, उस नागिनी ने अपने पिया की खुशी के लिए अपने पति को कितना भारी भरोसा दिया, लेकिन खेल कुछ और था। वे रानी थी गर्भ से सुमिर रही गोविंद, अरे होनहार सो होएगी चले न कोई फंड। क्या हुआ दोस्तों? अरे बासिक घर जन्मी धीयो, भयो गजपुर में राजकुमार, भयो गजपुर में राजकुमार, बासिक घर जन्मी धीये, अरे बासिक घर जन्मी धीये, भयो गजपुर में राजकुमार। हरिहर बोलो मेरे भाई रे, हरिहर बोलो मेरे भाई, ओ कर्म लिखी ना मिटे कन्हैया, कर्म लिखी ना मिटे करो जय लाखो जगाई, हरिहर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखना मिटे करो जय लाखो जग। देखिए होनहार की बात है दोस्तों, इधर तो हस्तिनापुर में महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया, और इधर
वाश्य की नागिनी ने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन जानते हो जिस समय हस्तिनापुर में यह पुत्र पैदा हुआ है, वाश्य के घर में जब लड़की पैदा हुई, जो नागिनी ने उस लड़की को देखा, दोस्तों एक बात और बता दें, उसने अपने प्रिया को तो यह वचन दिया था कि मैं लड़की को मार के मर जाऊंगी, लेकिन प्राण बहुत प्यारे होते हैं और मां की ममता तो बड़ी विलक्षण है। मैं तो सच कहूंगा दोस्तों कि मां की ममता के बराबर और किसी की ममता नहीं। जब लड़की को देखा है नागिनी ने, तो आज नागिनी की हालत खराब हो गई और यह नागिनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पति को वचन दे चुकी हूं। तो देखिए दोस्तों, कुमार को मार क्रोध उर धार पाप लग जाई, जो संये पर यही खबर रे के पिया मेरो मर जाई। अब क्या करूं मैं, अगर मेरे पति को खबर लग गई तो मेरे पिया अवश्य मर जाएंगे। हाय अब कहां जाएं, आहा बारे भाग्य की विडंबना। अरे पिया मर जाई, सजन मर जाई, राजा मर जाई, पिया मर जाई, जो सही पर खबर रे तुरंत मर जाई। सोचने लगी नागिनी, अब तो सांप छचूंदर जैसी दशा है। सांप ने छुंछूदर को मुंह में दबा लिया, अगर वो उसे छोड़ता है तो अपने पंजों से वो आंखें फोड़ देगी, अगर उसे निगलता है तो मर जाएगा। सोचने लगी है, जहां चाह होती बार रहा तो निकल आती। आप लोग सोच रहे होंगे कि सांप ने जब छचूंदर के मुंह में दबा लिया, अगर उसे छोड़ता है तो वो अपने पंजों से आंखें फोड़ के सर्प को अंधा बना देगी, अगर उसे निगलता है तो सर्प मर जाएगा, फिर सर्प को क्या करना चाहिए। एक अकल है, सांप छचूंदर को मुंह में दबा करके पानी में घुस जाए और पानी की तलहटी में जाकर के छचूंदर को छोड़ा, उसे आंखें फोड़ने का वक्त ही नहीं मिलेगा, वो बिलबिला के ऊपर आ जाएगी, सांप भी बच जाएगा छचूंदर के उस दाव से। नागिनी भी उसी तरह होशियार है, सोचने लगी, अब चाहे सो हर करे दुख चाहे परे अनेकन भाई, अनेकन भाई, जग मन में कलना परी लली दुबकाई, जग दिल में कलना परी कुमार दुबकाई। बादियों को बुला करके कहा कि ठरगजी, अगर मेरे घर का भेद तुमने कहीं दे दिया तो खाल को खींच के नमक चढ़ा दूंगी। महारानी साहबा, मैं कहीं कुछ नहीं कहूंगी तो समझ लो मेरी लड़की की देखरेख तुम्हें करनी है, लेकिन मेरे पिया को पता न लगे। देखिए दोस्तों, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनात को तो मनुष्य, औरत का चरित्र और मर्द की किस्मत देवताओं ने भी नहीं जान पाई कि कब पलटा खा जाए। क्या किया, अरे दुबकाए लई लली भवन में, प्यारे भवन में और कर कपट रे नारी ने मन में,
दर्शन में और जखी लग गई है सूरत तो भजन में। उसी समय नागिनी ने एक जहरी नाम को बुलाया और क्या बोली, काले नाग को बुला के नागिनी और यो कहन रे लगी है समुदाय, अरे जल्दी चलो जा तू तो कै सभा को और मेरे दुल्हा को लइए बुला। अरे कारो चलो है याद महलन से यारो सुन ली जो ध्यान के लगाए। आप बहुत जल्दी चले जाइए और मेरे पिया को लिवा के लाइए, हमें बहुत जरूरी काम है। नांग वहां से चला है दोस्तों, क्या हुआ? कारो वहां से चलो सभा में आओ, कारो वहां से चलो सभा में आओ, राजा बासिक को आए की पूरो हाल वरे सुनाओ। महाराज आपको दुल्हन रही बुलाए, बासिक वहां से चलो अरे महलन में पहुंचो जाए। जिस समय बासिक महलों में आया और जो अपने पिया को आता हुआ देखा, हाय हाय, उठ बैठी नागिनी, अपने पिया की कलाई पकड़ी, मेरे साधना मेरे बाल मां जिया राधा के धके होए रहो है मेरो काबू में ना है पिरान मेरे बाल मां जिया राधा के धके होए रहो है मेरे काबू में ना है पिरान मेरे बाल मां जिया राधा के धके। बासिक जब महलों में पहुंचा, नागिनी ने मुस्करा के अपने साजन का स्वागत किया। कहिए गोरी, अभी आंगन में से गए इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? कहने लगी, पिया तुम जो आंगन से गए मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। क्या? देखिए दोस्तों, नार नीर गंभीर नर इनकी थान होए, जो इनके हृदय बसे जान सकत न कोय। गहरी नदी और औरत की था किसी ने ले नहीं पाई। वैसे तो शास्त्रों में एक बात आती है, क्या क्या आती है? औरत कितनी ही विदुषी हो, औरत कितनी ही विदुषी हो, ये लक्षण उस पर आता है, ये लक्षण उस पर आता है। औरत कितनी ही विदुषी हो, ये लक्षण उन पर आता है। क्या? उनके पेट में बात तो क्या राजा, उनके पेट में बात तो क्या, पानी तक नहीं समाता है, पानी तक नहीं समाता है। बात
बात ध्यान में रखना। इसलिए अरे अब नारी को, इसलिए अरे हाँ इस नारी को क्या बोलिए, अरे भेद बताना ना चाहिए। आधार तो अपने मन की हर जगह सुनाना ना चाहिए, हर जगह सुनाना ना चाहिए। आधार तुझे अपने मन की, आधार तुझे अपने मन की हर जगह सुनाना ना चाहिए, हर जगह सुनाना ना चाहिए। आर भरे नैन में नीरू कहियो धीरा पिया मेरे बानी, मेरे तन में हुई यो खेदुरे के बहुत सजन घबरानी। महाराज जो आप गए हो ना, हाँ हाँ एकदम से मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द हुआ। क्या कहा, फिर क्या हुआ, मेरी उठी पेट में धरना धीर बिकल वो प्राणी, बिकल वो प्राणी मेरो खंडित हुई हो गर्भ बहुत पछतानी, मेरो खंडित है गो गर्भ बहुत पछतानी। ये घटना घट गई साजन, मैं पलंग पर लेटी और एकदम से पहला दर्द जो मेरे पेट में आया, मेरी एक सिसकी बंधी, बाद में दर्द बढ़ने लगे, पांच छह पीरें इतनी बुरी आईं, उनके साथ ही साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरे हैं महाराज, मेरा गर्भ खंडित हो गया। बादशाह के पैरों के तले धरती खिसक गई, ये क्या हुआ। लेकिन ये मातम ज्यादा समय तक नहीं रहा, जो उसे अर्जुन का ख्याल आया, मुस्करा के कहने लगा, घोरी अपने आंखों के आंसू पोंछ लो। क्यों, दुख टारी गाए साबरे रानी, मेरे मन की मिट्टी गिलानी। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। गोरी भगवान ने मेरे लिए खुशखबरी भेजी है, गर्भ खंडित हो गया, इसको मुझे जरा भी मलाल नहीं। अगर कहीं लड़की हो जाती तो नाग वंश की सारी बात धूल में मिल जाती। घबराओ नहीं, और बांदी को इशारा दिया, जरा अच्छी अच्छी मेवाओं का हलवा बना करके दुल्हन को खिलाना, क्योंकि गर्भ खंडित होने से कमजोरी तो इनमें आ ही गई है, मैं तो पहले ही समझ गया था कि चेहरा पीला पड़ा है। महाराज सभा में पहुंचे, सभी लोग उठकर के महाराज का स्वागत करते हैं, मूंछों पर हाथ फिराते हुए वाचक राज बैठ गए और कहने लगे, सभा के लोगों, हाँ हाँ क्या बात है महाराज,
बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। बासी कहने लगा, हमारी रानी का गर्भ खंडित हो गया। अच्छा, छाएगा एकदम सोर सबा चाहूं और गिर गई छाई। अर्जुन को पत्र एक बास कने तो दो गदा भेजवाई। आज कुंती नंदन ने अर्जुन के लिए पत्र लिखा है कि महाराज, हमारी आपकी गर्भ की बाजी लगी थी, मगर मेरी रानी साहिबा का गर्भ खंडित हो गया। हाय हाय, जो अर्जुन ने पत्र को खोल के पढ़ा है मेरे दोस्तों, तो पढ़ के पारत हाल भरो मन ख्याल उदासी छाई। अरे पासिक को लगी हाल बड़ो मन ख्याल उदासी छाई। मेरे बेटा की मांग लई दुबकारी। क्या बोलता है, अरे बासिक भूप बड़ो रे आई। अरे मेरे संग करिए घनियाई। जब हुई हो माई, अरे बन अधरम तो लो है रे कमाई। इसने गंगा को साक्षी ले लिया और इसने मेरे बेटा की मांग को धुबका दिया। लेकिन ओरे भाषी, अन्याय की कभी विजय नहीं होती। अरे करनी को मजा तो मिली जाएगो धीरे धीरे। अरे होन को मजा तो मिली जाएगो धीरे धीरे। आधार को कमलिया रे खिल जाएगो धीरे धीरे। इसका अंजाम इसको जरूर मिलेगा। अन्यायी की कभी विजय नहीं होती, विजय सर्वदा धर्म की होती है मेरे दोस्तों। इधर तो वासिक के पत्र को पढ़ करके अर्जुन को बड़ा भारी ख्याल है, और इधर क्या हुआ सुनो। जब दिन दिन स्यानो हो जाओ रे पारी छते लाला। नबल दे बाला। इधर तो परीक्षत सियाना होता जरा, और इधर वासी की बिटिया नबल दे। हाय हाय, जोवन की दहलीज पे कदम रखने लगी। महाराज देखने सुंदर हूर और जोबन में भरपूर।
कपूर जवानी में भाई चकना टूरे बिटिया जब आंगन में चले के कमर नांगिन सी होवे बेटी जब महलन में चले कमरिया नांगिन सी लहरावे नांगिन सी लहरावे नांगिन नांगिन सी लहरावे घोरी जब आंगन में चले के बिटिया। इधर तो दोस्तों अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित लाल सियाना हो रहा है और इधर नवलदे यौवन की दहलीज पर कदम रखती है। क्या सुंदरता है, कैसे बताएं। उस चंद्रवती की चंद्र छटा उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती है चंद्र को चकित कर जाती है उजली सी मुख वाली आभा गोरी उजली सी मुख वाली आभा बिजली का मान घटाती है बिजली का मान घटाती है। बहिया लजपति है गोरी सी कमर जागी ले राती है कमर जागी ले राती है सुंदरता लख कर नबल देखी राठौर को मूर्छा आती है